हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम घर जाने वाले थे तो यहाँ पे मैं निकल चुका था घर जाने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना घर चला जाए। तो यहाँ बडल गांव से मैं अब वहाँ जाने वाला हूँ, घर जाने वाला अपने। अब आप लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पे, कितनी अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन है, और मास्क लगाना भी ज़रूरी है क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ, तो शायद रास्ते में कोई पुलिस वाला ना पकड़ ले। इसलिए फिर मैंने सोचा कि घर क्यों ना चले जाऊँ। ये मैं हूँ और ये मेरा कैमरा है और ये मेरी गाड़ी है। और ये हमारी पार्टी हो रही है, पर हम घर जा रहे हैं, पार्टी नहीं। ये मैं हूँ और ये मेरी गाड़ी है और हम घर जा रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा घर चला जाए। तो मैंने कहा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बना लूँ यहाँ पे रास्ते पे। यहाँ पे मैं इस बडल गाँव में हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। बडल गाँव में भी काफ़ी अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा क्यों ना घर चला जाए। फिर मैं घर के लिए तैयार हुआ, अभी निकला रास्ते पे, तो रास्ते भी था बिल्कुल, जस्ट अभी आया वहाँ से। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कितनी अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा, बिल्कुल नीचे सुरंग बन रही है, यहाँ पे सुरंग का काम चल रहा है। नीचे नदी देख सकते हैं जिसमें राफ्टिंग होती है। और यहाँ से मैं आपको आगे का शूट दिखाता हूँ कि घर जाके कैसा सरप्राइज़ होता है। यहाँ से बिल्कुल विलेज टू सिटी, ये मेरा ब्लॉग हो जाएगा, विलेज टू सिटी। यहाँ से घर चलते हैं। देखो ये वही नदी है जिसमें राफ्टिंग होती है। बिल्कुल ये नदी अभी बहुत भयंकर बन रखी है, आप देख सकते हैं। लोकेशन तो बहुत अच्छी है बडल गांव की, यहाँ पर लोग राफ्टिंग के लिए, कैंपिंग के लिए आते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज घर चला जाए, तो इसलिए फिर मैं घर के लिए निकल गया। और ये मेरी गाड़ी है, मैं घर चलते हैं। रास्ते पे था तो फिर ऋषिकेश जाके थोड़ा रास्ते में आपको दिखाता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि क्या होता ना कि रास्ते में हम ठहरे छोटे कैमरे वाले, बड़ा कैमरा है नहीं, रास्ते पे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अच्छा वो करने के लिए चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ब्लॉग तो हो गया बेटा, अभी मेरा ये गाइस थोड़ा आगे जाके मिलता हूँ, आगे जाके बताता हूँ कि मैं कहाँ पे पहुँचा, कौन से लोकेशन है जो अच्छी लोकेशन होगी, मैं आपको वहाँ पे सब दिखा दूँगा कौन से अच्छी लोकेशन है। मिलते हैं। और हमने पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा दिया है। पेट्रोल भराने के बाद अब देखते हैं कि कहाँ से जाता है। ज़्यादा वो नहीं है, तो डिस्टेंस बहुत है मुझे घर जाने के लिए, तो अभी घर जाके ऋषिकेश में आपको बताता हूँ। और गाइस मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ अपने घर, जो मेरे घर का रास्ता है। यहाँ पर से मतलब शॉर्टकट पड़ता है, शॉर्टकट ये जंगल है यहाँ से, और यहाँ पर से शॉर्टकट पड़ता है। और ये मैं हाईवे से, ये हाईवे हमारा यहाँ का हाईवे से अंदर, हरिद्वार से 12 किलोमीटर, हरिद्वार से 8-10 किलोमीटर अंदर है, 8-10 किलोमीटर पहले है यहाँ पे रायवाला गाँव, आपने सुना होगा रायवाला। तो यहाँ पे ये रास्ता है, तो इस रास्ते से मैं जाऊँगा। यहाँ पर शॉर्टकट पड़ता है, तो शॉर्टकट रास्ते ही जाऊँगा मैं। वैसे रास्ता थोड़ा ख़राब है, पर मैं जाने के लिए तो वहाँ से चले जाता हाईवे के रास्ते। आप पीछे देख सकते हैं हाईवे है, पीछे हाईवे के रास्ते चले जाता, बट यहाँ से शॉर्टकट है। तो फिर मैंने सोचा कि अपना शॉर्टकट ले लिया जाएगा, क्योंकि लाइफ में थोड़ा शॉर्टकट लेना चाहिए। यहाँ पर से मैं आपको दिखाता हूँ, रोड वैसे थोड़ी डैमेज है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से रोड बनी नहीं है, रोड डैमेज है। ये बहुत 2 किलोमीटर तक का रास्ता है, इसमें रास्ते में कोई वो नहीं है, क्या बोलते, कोई घर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 2 किलोमीटर रास्ता है, 2 किलोमीटर तक कोई वो नहीं है, रोड बहुत ज़्यादा डैमेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, कैमरा से शूट करना तो बहुत मुश्किल है, कैमरा छोटा है बट सपने बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पीछे भी देख सकते हैं आप, पूरा रोड है, सीधी रोड है, जंगल है पूरा का पूरा, 2 किलोमीटर तक पूरी रोड है। रोड पक्की नहीं हुई है अभी तक, बट शायद कभी ना कभी पक्की हो जाएगी। चलो आपको आगे जाके बताता हूँ कि क्या है, अभी रोड बहुत डैमेज है यहाँ पे। फाइनली मैंने जंगल क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, ये जंगल का कच्चा रास्ता था जिससे मैं आया था, जंगल का कच्चा रास्ता है। और ये सामने मेरा पक्का रास्ता है जिसमें से मैं जब जाऊँगा, ये सामने स्टेट वाला रास्ता जा रहा है सीधा, उसमें जाऊंगा। ये शॉर्टकट मेरे को बहुत भारी पड़ गया, ये शॉर्टकट से आया, मैंने सोचा कि जल्दी पहुंचूंगा, पर रोड इतनी डैमेज है कि वहाँ से जल्दी आना बहुत ही मुश्किल है, वहाँ से आना बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे हिसाब से तो। बट कोई नहीं, आज नहीं तो कल कभी ना कभी रोड बनी जाएगी, आज नहीं तो कल। आपको आगे ही रोड दिखाता हूँ, यहाँ पर तो बहुत बेस्ट लोकेशन है, आप जंगल में आओगे तो बिल्कुल ऐसा। यहाँ पर रोड तो बहुत अच्छी है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत बड़ा स्कूल है, आनंद माई स्कूल है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा प्ले ग्राउंड है यहाँ पर, बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड भी अच्छा है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी एजुकेशन है, बहुत सारे दूर दूर से स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे। स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है, स्कूल की बाउंड्री जो आपकी रेड कलर की दिख रही है, स्कूल की बाउंड्री है यहाँ पे, पूरी स्कूल की बाउंड्री। और यहाँ पे रोड इतनी बहुत बेस्ट रोड है यहाँ पे, इतनी बेकार नहीं, रोड बेस्ट है, रोड अच्छा है। सामने स्कूल की बस है, तो फिर थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा, चलता है।
यहाँ पर लोकेशन काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। जंगल में मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। ये हॉस्पिटल है पीछे, ये अभी नया खुला था हॉस्पिटल, नया खुला था। ये हमारे वहाँ की बेस्ट रोड है, मेरे जो गांव है, जो मेरा घर है उसकी बेस्ट रोड है हमारे उसकी। शायद पूरा सुनसान लग रहा है, कोई दिख नहीं रहा है मुझे। खेत देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको अपने वहाँ का खेत दिखाऊंगा तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत होती ना, वैसा लगता है। ये आ गया मैं अपने स्कूल की तरफ। यहाँ पे मेरा स्कूल है, आप देख सकते हैं ये इतना लंबे में दिख रहा है जो स्कूल, ये मेरा स्कूल है। इसमें मैंने पढ़ाई की है, इसमें मैं पढ़ा हूँ 10th तक है ये। 10th तक मैंने इसमें पढ़ाई की है, 10th तक इसमें पढ़ाई की है। मेरा स्कूल का बोर्ड और मेरा प्ले ग्राउंड स्कूल का अंदर का, इसमें मैंने 10th तक पढ़ाई की है स्कूल में। और मैं बहुत मिस करता हूँ स्कूल लाइफ को, बहुत ज़्यादा। और ये मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है घर जाके, देखते हैं कहाँ पर से। अभी तो काफ़ी मौसम भी ख़राब है, ज़्यादा वो भी ख़राब लग रहा है मौसम, देखने से मालूम पड़ेगा। अभी थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा मुझे घर। तो मैं आपको यहाँ पे खेत की लोकेशन दिखाऊंगा, बहुत ही गजब है खेत की लोकेशन, जिसको बोलते हैं नहर वाला रास्ता है। और फाइनली ये मेरे खेत की लोकेशन है मेरे घर की। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो सामने वाला जो दिख रहा है वो है मेरा घर, वो मेरा घर है जो सामने से दिख रहा है। और फाइनली पहुंच गया हूँ मैं अपना घर, ये मेरा घर है सामने और ये घर का मेरा रास्ता है। और फाइनली मैं घर पहुंच गया। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और